अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? आज मैं आपके लिए एक्सेल के शॉर्टकट लेके आया हूँ, क्योंकि जब एक्सेल पे वर्किंग करनी हो तो शॉर्टकट अगर ना आते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट है वो ये है, कंट्रोल प्लस एन। मतलब ये है कि क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। जब हम कोई भी शीट पे जाते हैं जैसे कि, तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि हमारी जो शीट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, हम वर्किंग करने लग जाएंगे। फर्स्ट हमारा ये है। उसके बाद सेकंड है, ओपन ए एग्जिस्टिंग वर्क बुक। यानी अगर आपने कोई बनाई है तो उसे ओपन करने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो वो वर्कशीट ओपन हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ जैसे ये, तो कंट्रोल प्लस ओ, तो ये हमारी रिसेंट तो सारी आ जाएंगी, कौन सी होगी। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जी थर्ड नंबर, कंट्रोल प्लस एस। ये तो हर जगह यही होता है कि कोई चीज़ भी सेव करनी हो तो कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं। दूसरे नंबर पे जो चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, ओपन द सेव F12। ओपन द सेव हैज डायलॉग है, यानी कि आपने ये वर्कशीट बना ली, इस पर काम कर लिए तो आप सेव करना चाहते हैं, तो आप प्रेस करेंगे F12। मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास विंडो की ऑप्शन आ जाती है कि आपने किस लोकेशन पे फाइल को सेव करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे जो आया है वो है क्लोज द वर्क। मतलब आपने जो इस शीट पर काम कर लिया, आप इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे तो आप इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इससे भी आप वर्कबुक को इससे क्लोज कर सकते हैं और पूरी एक्सेल को कंट्रोल प्लस F4 से कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी, अगर आपने कोई न्यू वर्कशीट जो है ना इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट हो। जैसे कि मैं अगर शिफ्ट और F11 प्रेस करता हूँ तो ये हमारी वर्कशीट नहीं खुलती, न्यू वर्कशीट हमारे पास हो। इसे भी करें, फिर अगर मैं एक और करूँ तो हमारे पास नई शीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो नीचे दिया गया है इससे भी आप नई शीट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं शीट ऐड कर रहा हूँ, 1 शीट 2 शीट 3 4। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल प्लस जी, इससे हम अनडू इन एक्शन अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। और यहाँ से जो कंट्रोल प्लस F2 है इससे हम प्रिंट प्रीव्यू कर, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट की ऑप्शन है, यहाँ से हम शीट को प्रिंट कर सकते। उसके बाद हमारे पास ये है, दूसरा है कि अगर हेल्प पैनल आपने मतलब ओपन करना है, हेल्प चाहिए तो F1 करेंगे। जैसे कि मैं F1 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये एक्सेल का जो हेल्प पैनल है वो सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करके हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेल चेक, F7 करेंगे तो स्पेल चेक करने हो किसी वर्ड वगैरह के तो आप F7 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ऑल्ट या F10, दोनों प्रेस करेंगे तो हमारे पास टूल टिप ओपन हो जाएंगे। टूल टिप मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं ये मैंने कोई वर्ड लिखा है इसमें मैं F10 प्रेस करता हूँ, F10, तो हमारे पास ये टूल टिप ओपन हो जाती है। मेन्यू है, डेटा की रिव्यू वगैरह व्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टूल टिप ओपन हो। वैसे क्लोज करने के लिए दोबारा दबाएंगे तो वो क्लोज, और इसी तरह आल्ट करेंगे तो उससे भी हो सकती है।
कंट्रोल प्लस F1 शो आर हाइड। अगर आपके पास ये खुली है, Alt कंट्रोल F1, ये नीचे स्क्रॉल हो रहा है, जो हमारे पास ये विंडो नीचे हो जाती है वो हमें शो होती है, इससे हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। एक्सेल की जो शीट है हमारी, बाद चीज़ें नीचे रह जाती हैं तो वो हमें शो नहीं होती, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस शिफ्ट F U, यानी कि जो आप एक्सपेंड आर क्लॉक का फार्मूला बार, ये हमारे पास एक फार्मूला बार है। जैसे अगर हम देखें, पहले मैं इसको इसमें ले जाता हूँ, कंट्रोल प्लस F1, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बार है, तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, यानी मतलब शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल प्लस F9, मिनिमाइज द वर्क विंडो, यानी कि इस वर्क विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। कंट्रोल प्लस F सर्च इन स्प्रेडशीट, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ स्प्रेडशीट में फाइंड करनी है तो कंट्रोल F करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी फाइंड की, मतलब कोई वर्ड फाइंड करना आपने तो आप यहाँ से फाइंड कर। और ये इसमें दो ऑप्शन है, आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ वर्ड लिखें और यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी, अच्छा हैप्पी, तो मैं पास कंट्रोल F किया तो हैप्पी फाइंड हो गया, अच्छा W P, ये हैप्पी आ गया। मैं कहता हूँ हैप्पी को रिप्लेस करना है हैप्पी कर, तो रिप्लेस करेंगे ये आ गया हमारे पास रिप्लेस, ये शॉर्टकट। उसके बाद ये भी ओपन द फाइल मेन्यू टैब, ये भी आप ऑल्ट प्लस एफ से कर सकते हैं। फिर हेल्प, अगर तो गो टू द हेल्प टैब, तो ऑल्ट प्लस एच करेंगे तो हेल्प में चलते हैं। ओपन टैब, लेआउट और पी पेज लेआउट को, और अगर मेन्यू में जाना है फार्मूला टैब में तो ऑल्ट प्लस एम करेंगे तो हमारे पास ये। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे ये शॉर्टकट किया है वो गो टू द डेटा टैब, ऑल्ट प्लस ए करेंगे तो डेटा टैब में चले जाएंगे, आर करेंगे तो रिव्यू टैब में चले जाएंगे, W करेंगे तो व्यू टैब में जाएंगे, X करेंगे तो एड सीन टैब में जाएंगे, और अगर Y करेंगे ऑल्ट के साथ तो हेल्प टैब में जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब स्विच बिटवीन वन ओपन वर्क, ओपन वर्क में स्विच कर सकते हैं। इंसर्ट अ फंक्शन, आप कोई फंक्शन वगैरह जैसे कि सम का फंक्शन है, माइनस करना है प्लस करना है, तो वो यहाँ से आप शिफ्ट प्लस F3 से ऐड कर। ऑल्ट प्लस F ऐड करेंगे, क्रिएट रन एडिट और डिलीट माइक्रो, ये और विजुअल बेसिक भी अगर काम करना है तो ये दोनों कीज उनके लिए। जैसे अगर ऑल्ट प्लस मैं करता हूँ ऑल्ट और Alt F8, Alt और F8 में अगर प्रेस करता हूँ मेरे पास ये हो जाता है। ये है मेरे पास सम कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, मेरे आपसे शेयर कर लूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।